अलकाट्राज यूएसए सैन फ्रांसिस्को का डार्क साइड। अलकाट्राज इतना प्रेतवादित क्यों है? अलकाट्राज जेल को अक्सर दुनिया की सबसे प्रेतवादित जगहों में से एक कहा जाता है, लेकिन क्यों? अल कैपो, जॉर्ज मशीन गन केले और आधा डॉक्टर वॉकर सभी ने अलकाट्राज में समय बिताया, जैसा कि अपने समय के कई अन्य कुख्यात अपराधियों ने किया था। जानना चाहते हैं कि कौन अभी भी अलकाट्राज की खाली कोशिकाओं का शिकार करता है और आपको उनकी बेचैन आत्माओं से मिलने कहां जाना चाहिए? पढ़ते रहते हैं, अलकाट्राज प्रेतवादित क्यों है? अलकाट्राज को सबसे विद्रोही अपराधियों की आत्माओं को तोड़ने के लिए बनाया गया था। 1933 में अमेरिकी सरकार ने अब तक के सबसे बुरे अपराधियों से निपटने के लिए अधिकतम सुरक्षा विशेषाधिकार वाली जेल खोलने का फैसला किया। जेल के कई नियमों को तोड़ने वाले कैदियों को स्ट्रिप सेल के रूप में जाना जाने वाला स्थान भेजकर दंडित किया जाएगा। स्ट्रिप सेल में प्रवेश करने से पहले कैदियों को नंगा किया जाता था। सेल में कोई गद्दा नहीं था, कोई सिंक नहीं था और कोई रोशनी नहीं थी। एकमात्र शौचालय जमीन में एक छेद अंधेरे स्टील के कमरे ने वहां रहने वाले अपराधियों में आशा और मानवता की जो कुछ बचा था उसे हटा दिया। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उनकी कुछ आत्माएं अनुभव से और अलकाट्राज द्वीप से ही आगे नहीं बढ़ सकती हैं। क्या उनका कोई भूत अभी भी वहां भी लटका हुआ हो सकता है?